और स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस में। जहाँ साथियों, इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं आईआरबी को लेकर के। देखिए दोस्तों, आईआरबी पहले होता क्या है, इसके बारे में दोस्तों एक अलग से वीडियो में आपको बना के बताऊंगा कि आईआरबी होता क्या है। दोस्तों इसको बोलते हैं दोस्तों इंडियन रिजर्व बटालियन। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, ये इंडियन रिजर्व बटालियन दोस्तों होता है, जिसका दोस्तों अभी तक नोटिफिकेशन दोस्तों आया नहीं। बहुत ही जल्द दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना दोस्तों, जिसमें अगर बात करें दोस्तों आपकी वैकेंसी को लेकर के दोस्तों करीब करीब 17,000 वैकेंसी, यानी दोस्तों आप देख सकते हो 17,000 वैकेंसी दोस्तों आपकी आईआरबी में बहुत ही जल्द आने वाली है। आप सभी साथियों दोस्तों कहना चाहता हूँ, जो भी साथी दोस्तों आपका डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करते हैं, जो भी साथी जो है एसएससी जीडी वगैरह जिन साथियों का नहीं हुआ दोस्तों, आप लोग दोस्तों एक बहुत ही सुनहरा मौका है, आप दोस्तों अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। सेम पैटर्न दोस्तों एग्जाम वगैरह का सब कुछ दोस्तों एकदम एसएससी जीडी के पैटर्न पर होता है दोस्तों। अब देखिए, अगर आईआरपी की बात दोस्तों, इसकी वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी दोस्तों। इवन मैं बात करूँ जुलाई में आपकी 100% लास्ट तक आपको इसकी वैकेंसी देखने को जरूर मिलनी चाहिए, जो दोस्तों अभी तक नहीं था दोस्तों। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें दोस्तों आपका, तो 17,000 प्लस वैकेंसी आपकी हो सकती है दोस्तों। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या चीजें होती है दोस्तों, क्या होता है इसको समझिए पहले। देखिए दोस्तों, ये आपका पे स्केल दोस्तों जो आपका एसएससी जीडी का होता है सेम होता है दोस्तों। एक कांस्टेबल क्लास फोर्थ की दोस्तों इसकी जॉब होती है, यानी कांस्टेबल की जॉब होती है जो जीडी की दोस्तों। और दोस्तों ये टाइप कौन सा दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की दोस्तों जॉब होती है। इस तरीके से आपका एसएससी जीडी में सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी होगा, वैसे दोस्तों आपका आईआरबी होता है, ये भी दोस्तों आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस है दोस्तों। और आपको बता दें इसमें 17,000 के आसपास वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। वही दोस्तों अगर नेक्स्ट रूप से अगर बात करें इसमें आपका, देखिएगा ये दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है दोस्तों बहुत ही जल्द आने वाला है। और दोस्तों इसमें बता दें आपका एज लिमिट को लेकर के, इसमें दोस्तों आपका एज लिमिट दोस्तों 18 से 25 साल, यानी आपका जो भी साथी दोस्तों 18 से 25 साल के दोस्तों वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग जो भी साथी दोस्तों इस एज के अंदर आते हैं दोस्तों, वो अपनी तैयारी अभी से इसके लिए स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें कि क्लास 10th और 12th दोस्तों, इसमें आपका जो है क्लास 10th और 12th दोस्तों आपसे पास मांगा जाता है दोस्तों, अलग अलग पोस्ट की दोस्तों अलग अलग। देखिए अगर बात करें आपका अप्लाई मोड दोस्तों, आपका ऑनलाइन होगा, बहुत ही जल्द इसके फॉर्म ऑनलाइन ही देखने को मिलेंगे दोस्तों, ऑफलाइन तो कुछ इसमें होता नहीं है, ठीक है ना। ऑनलाइन मोड में दोस्तों इसका फॉर्म वगैरह अप्लाई किया जाएगा बहुत ही जल्द दोस्तों। बात करें आपके नंबर ऑफ किसनी दोस्तों पोस्ट है कितनी किस तरीके, देखिए अगर बात करें दोस्तों आपका टोटल आरआरबी की बात करें दोस्तों, आपका जम्मू कश्मीर दोस्तों आपके 5 आरआरबी आईआरबी है, ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर दोस्तों 5 आईआरबी है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों आपकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 5,000 के आसपास दोस्तों इस पर वैकेंसी आएगी दोस्तों। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, 4 आईआरबी दोस्तों, इसमें आपके 4,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर नेक्स्ट बात करें आपका 3 आईआरबी दोस्तों आपके झारखंड में दोस्तों, यानी इंडियन रिजर्व बटालियन जिसको बोलते हैं, ये आपका यहाँ पर 3,000 वैकेंसी देखो। उड़ीसा की बात करें दोस्तों, आपका 3,000 वैकेंसी दोस्तों आपका उड़ीसा में भी देखने को आपको मिली क्योंकि दोस्तों। अगर महाराष्ट्र की बात करें, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, महाराष्ट्र में आपकी 2 वैकेंसी, यानी आपके आईआरबी है दोस्तों, यहाँ पर 2,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। टोटल आईआरबी की बात करें दोस्तों, आपको 17 आईआरबी है दोस्तों, यहाँ पर आपको कुल का मिला करके 17,000 वैकेंसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों इसका फिजिकल वगैरह किस तरीके से होता है, सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, क्या क्या चीज़ें आपको, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें रहेंगी या आपका आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, कुछ दोस्तों बेनिफिट मार्क्स वगैरह आपको मिलते हैं। तो ये इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको अगर पास अगर नहीं है, इसको आप पहले से बना करके रख लीजिए। और दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी साथी दोस्तों इसकी तैयारी खूब अच्छे से, यानी एकदम मन से करना चाहते हैं दोस्तों, वो लोग चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों। इसकी बहुत ही जल्द दोस्तों इसका पेपर का पैटर्न, किस तरीके की चीज़ें इस पर चलती, सारी चीज़ों को लेकर के दोस्तों हम लोग बहुत ही जल्द आपको एक वीडियो बना के देंगे दोस्तों। आईआरबी क्या होता है, कैसे काम करता है दोस्तों, उस पर भी एक वीडियो बहुत जल्द मैं आपको बना करके दूंगा दोस्तों, जहां पर आप देख पाओगे कि आईआरबी क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, छुट्टियां कैसी होती है दोस्तों, जॉब कैसा होता है, वर्दी आपको कैसी मिलती है, ठीक है, क्या क्या फैसिलिटी दोस्तों आईआरबी में आपको देखने को मिलती है, सारी बातों को लेकर के भी जल्दी एक वीडियो आपका लेकर के आऊंगा। और आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, जो भी साथी इसकी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों आप एमईएस को भी टारगेट कर, यानी एमईएस को आईआरबी को एक साथ आप टारगेट कर सकते हो दोस्तों। एमईएस में भी दोस्तों आपकी एक नंबर अब वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है दोस्तों, और प्लस आईआरबी में तो आपकी आने वाली है दोस्तों। दोनों वैकेंसी को दोस्तों आप एक साथ टारगेट कर सकते हो, जिसमें दोनों का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी चीजें दोस्तों काफी हद तक आपसे मिलती जुलती आपको दिखाई पड़ती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी साथी दोस्तों इसका तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग कोई भी समस्या आती है तो आप दोस्तों कमेंट करिएगा, जरूर उसका रिप्लाई हम लोग हमारी टीम देगी दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।